चाहिए क्या? हाँ देख कितना खुश हो गई प्रीति बहुत जी। मीठा लगता है खाने में भी। खाने में बहुत, और चने साग का दोस्तों दाल बन चुका है और देखिए कितना अच्छा बना हुआ दोस्तों, बहुत ही खुशबू तो अच्छा आ रही लगता है। है खाने में। आग में इसको सेकते हैं दोस्तों, आग में सेकने के बाद चने का साग अभी निकाल रही है एक बर्तन में, और मक्का का रोटी दोस्तों खाने में बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश खुश होंगे। होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं दोस्तों, हमारी ओर से आप सबों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आज भी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अभी अभी धूप निकला हुआ दोस्तों, सुबह से बहुत ज़्यादा कुहासा किए हुए थे। और दोस्तों आज बनाने जा रही है मेरी धर्मपत्नी जी मक्का रोटी और चने साग, जो कि आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों कि मक्का रोटी और चने साग कैसे बनता है, और खाना भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और बहुत दिनों बाद आज हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं मक्का रोटी और चने का साग। और दोस्तों इसके लिए पहले हम लोग चलते हैं बारी बारी से जाके लेके आएंगे चने चने का का साग। साग। चलो जी दोस्तों, हम लोग बारी पहुँच चुके हैं, और अभी आप लोग को मौसम दिखाते दोस्तों कि मौसम कैसा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे चने का साग। देखिए दोस्तों कितना मस्त मौसम किया हुआ है, और अभी चिड़िया चहचहा रहा है दोस्तों, कितना मस्त लग रहा है। और देखिए सूरज भगवान उगे हुए दोस्तों, और उधर मेरी धर्म पत्नी जी, और पका हुआ भी दोस्तों। अभी पहले एक तोड़ते हैं। तुम तोड़ रही है क्या? और देखिए दोस्तों एक अमरूद तोड़े हैं, देखिए कितना बड़ा है दोस्तों पका हुआ अमरूद। चाहिए क्या? हैं देखिए कितना खुश हो गई बहुत प्रीति जी, मीठा लगता है खाने में भी। खाने में बहुत। और देखिए दोस्तों ये रहा चने का साग, देखिए कितना सारा है। और उधर मेरी धर्मपत्नी जी तोड़ रही है। अभी धूप कितना अच्छा किया हुआ है दोस्तों, बड़ा ही सुंदर अभी धूप लग रहा है दोस्तों। अभी बैठे हैं समय दोस्तों, क्या जी इसको कच्चे खाने में भी मज़ा आता है। दोस्तों इतना सारा अभी तोड़ी हुई है, और देखिए उधर भी बैठ के अमृत खा रही है और साथ में तोड़ भी रही है दोस्तों। अमृत मीठा लग रहा है जी, तोड़ देते हैं फटाफट, हो जाएगा जल्दी। और दोस्तों चने का साग तोड़ना हो चुका है, देखिए इतना सारा एक मोनी तोड़ी हुई दोस्तों। और दोस्तों अब चले घर, दो जी अमरुद हमको भी दो ना, सब खा गई, थोड़ा सा बचने दिया है। चलो अभी थोड़ा धूप किया हुआ है ना, अच्छा लग रहा है। ये हम लोग का दोस्तों बारी जाने का रास्ता है दोस्तों घर आने के बाद। और देखिए मेरी धर्मपत्नी जी अभी धोने जा रही है साग को, और बढ़िया से धोएगी दोस्तों पहले साग को। डब्बे में पानी है दोस्तों, उसमें साग डाल दिया और अच्छे से पहले धोएगी साग को। देखिए चना साग है दोस्तों, बढ़िया से धो लेंगे इसको, साग को धो लिया दोस्तों बढ़िया से। और अब जा रही है काटने के लिए, पहले साग को काट लेगी और पतला पतला में काटेगी दोस्तों, पतला पतला में काटेगी तो खाने में अलग टेस्ट आएगा। देख काट रही है, देखिए पूरा पतला पतला काट रहे हैं। हाँ दोस्तों जब तक प्रीति जी साग काट रही है तब तक हम दोस्तों आग जला देते हैं। दोस्तों देखिए साग काट लिए हैं, और काट के देखिए इधर सूप में रखे हुए हैं,
और इधर देखिए मेरे हस्बैंड जी आग जला दिए और कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। और तब तक हम इधर लहसुन और हरा मिर्च इसको गिलास में लेके कूट लेंगे बढ़िया से। तो 3 हरा मिर्च लेंगे और इसका आधा लहसुन, और ये बेलना से इसमें गिलास में इसको कुचेंगे। अभी आप लोग को दिखाते हैं कैसे कुचेंगे। सो दोस्तों हरा मिर्च और लहसुन देखिए कूट लिए हैं गिलास में, और इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है। और देखिए चना साग में डालेंगे मूंग दाल, जो कि सुबह इसको फूलने के लिए दिए हुए थे, और देखिए फूल गया है। तो अब चलते हैं बनाने के लिए, और अभी आप लोग को दिखाएंगे कैसे कैसे बनाएंगे। सो पहले डालेंगे तेल सरसों का, तेल गरम होगा तो इसमें डालेंगे जीरा। दोस्तों तेल गरम हो गया और अब डालेंगे इसमें जीरा, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। और देखिए जीरा चटकने लगा है, तेल पूरा गरम हो गया था। दोस्तों अब डालेंगे इसमें जो कूट के रखे हुए थे हरा मिर्च और लहसुन, और इसको भूनेंगे थोड़ा देर के लिए। और अब इसमें डालेंगे मूंग दाल जो फुला के रखे हुए थे। अब इसको भी भूनेंगे। दोस्तों मूंग दाल भून लिए हैं, और देखिए इधर, और हम लोग इसको बोलते हैं मूंग दाल भी बोलते हैं और बड़े दाल भी बोलते हैं। और अब इसमें डालेंगे पानी, इधर जब तक डबकेगा तब तक हम आलू छील लेते हैं। और आलू उबाल के रखे हुए थे, और उबाला हुआ आलू डालेंगे इसमें छील के। देखिए इसको तोड़ के भी रख लिए हैं, और इधर देखिए डबक गया है पूरा। और अब इसमें आलू डालेंगे और थोड़ा सा डबकने देंगे, उसके बाद फिर साग डालेंगे इसमें। देखिए पूरा डबकने लगा है, और अब इसमें साग डालेंगे जो इधर काट के रखे हुए थे। साग डाल दिए, और अब इसमें डालेंगे नमक। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको ढक देंगे थोड़ा देर के लिए। दोस्तों अभी थोड़ा देर के लिए ढके हुए चने का साग, और दोस्तों चने के साग मक्का का रोटी दोस्तों खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग दोस्तों मक्का भी बोलते हैं, मके भी बोलते हैं, और अपनी बोलचाल भाषा में ज़्यादातर हम लोग दोस्तों उसको जोंड्रा बोलते हैं, जोंड्रा का चिक्कस, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। उसको सान के भी ऐसे भी खाया जाता है, और उसको रोटी बना के भी खाया जाता है। तो दोस्तों चने के साग के साथ मक्का का रोटी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही टेस्ट लगता है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आज बना रहे हैं मक्का का रोटी और साथ में चने का साग। और देखिए दोस्तों अभी ढकी हुई है, और अब थोड़ा इसको उबालेंगे क्या। पानी सूख चुका है दोस्तों, जो हल्का हल्का पानी है, और इसमें थोड़ा सा दोस्तों बेसन घोर के डालेंगे। अभी आप लोग को दिखाते हैं, और देखिए दोस्तों अभी बेसन घोल रही है। बेसन ले लिया थोड़ा सा, थोड़ा सा बेसन घोल के और अभी साग में डाल देंगे। इतना अच्छा बन रहा है चने का साग, और इसमें क्या क्या मिलाए हो दोस्तों आप लोग को दिखाएं। मूंग दाल साथ में आलू भी मिक्स किए हुए हैं, और थोड़ा सा अलुआ पतला पतला कर देते दोस्तों खींच के। और देखिए बेसन घोल लिया, गुलाब बेसन दोस्तों अब डाल रही है,
और देखिए दोस्तों कितना अच्छा बन रहा है चना साग, चना साग का दल साग का ना जी। और देखिए दोस्तों अभी थोड़ा देर के लिए ढबकने के लिए दिया उधर, और इधर देखिए अभी दाल छोकने के लिए जा रही है, गरम हो चुका है जी पूरा, देखिए ना कैसा डबक रहा है तेल, गरम हो गया हल्का सा होगा। देखिए दोस्तों दाल बर्तन से एकदम ढक दिए, और चने साग का दोस्तों दाल बन चुका है, और देखिए कितना अच्छा बना हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त बना हुआ है। दोस्तों चने साग का रेसिपी बन के तैयार हो चुका है दोस्तों, और आप लोग को दिखाया दोस्तों कि कैसे बनाई मेरी धर्मपत्नी जी चने साग का रेसिपी। और देखिए दोस्तों पानी गर्म करने के लिए भी चढ़ाई हुई है, और इधर ले लिए दोस्तों चिक्कस ली हुई है मक्का का, और इसको भी चाल रही है मक्के का चिक्कस दोस्तों, देखिए अभी चाल रही है, थोड़ा पिसाने के बाद थोड़ा मोटा ही रहता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसको चालना पड़ता है, चाल के बनाना होता है, इसको चाल के ही बनाना पड़ता है। और गर्म पानी भी दिए होने के लिए दोस्तों, और गर्म पानी से ही इसको सानेंगे, कितना मोटा निकला सो देखिए हो गया जी। हाँ दोस्तों अब सानने के लिए जा रही है मक्का का चिक्कस दोस्तों, देखिए गर्म पानी से, और इसको गर्म पानी से ही सानते दोस्तों तो अच्छा बनता है, और देखिए भी सान रही है, हल्का हल्का पानी देके भी मिक्स कर रही है, थोड़ा पानी ज़्यादा गर्म है। इसको गूथने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है थोड़ा सा, और देखिए भी गूथ ली मेरी धर्मपत्नी जी, हो गया जी अभी और गूथेंगे, थोड़ा और गूथेंगे ना। आटा जितना आसान लगता है सानने में उतना आसान इसको लगता है सानने में, नहीं थोड़ा उससे ज़्यादा मेहनत लगता है। दोस्तों अब बनाने के लिए जा रही है मक्का रोटी, और देखिए दोस्तों सान लिए, और सानने के बाद देखिए एक लोवा भी ले लिया हाथ में, देखिए कितना बड़ा लोवा लिया है, इसको बेल के भी बना सकते दोस्तों, और ऐसे भी हाथ से भी, और देखिए अभी बेलने के लिए जा रही है दर्रा बेलना और चक्की, अभी तावा भी गर्म हो रहा है दोस्तों, अभी थोड़ा ज़्यादा तेज आँच जल रहा था इसलिए तावा थोड़ा साइड कर दिए हैं। और देखिए दोस्तों बेल रही है, और इसको दोस्तों बेलना को दबा के नहीं बेलना है, हल्का हल्का तो ये अच्छा से बेलाएगा, वरना दोस्तों फट फट जाएगा। और देखिए एकदम हल्का हल्का करके एकदम बेल रही है, और कितना मस्त देखिए दोस्तों गोला बेल दी। और दोस्तों अब देने जा रही है तवा पे, तवा भी गर्म हो चुका है, आग नहीं जल रहा है जी, जल रहा है फिर भी धुआं लग रहा है, आंसू आने लगा आग से, थोड़ा थोड़ा हवा चलता है ना इसलिए जला देते हैं, आग जलेगा तो ना बढ़िया से पकेगा, पलटाओ पलटाओ। ये मक्का रोटी है दोस्तों, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और देखिए कैसे बन रहा है, आग आग भी लहर रहा है। पक गया, अब थोड़ा आग में सेक लेंगे,
और ऐसे ही सारा हम लोग पकाएंगे दोस्तों। देखिए वो पक चुका है, देखिए कितना मस्त बन रहा है मक्का रोटी, खाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और इधर अब दोबारा बनाने के लिए जा रही है, इसको हाथ देखिए दोस्तों, अब दूसरा बनाने के लिए जा रही है और हाथ से ही बनाएगी और इसको बेलेगी नहीं, बस ऐसा ही हाथ से गोला बना देगी। देखिए इस ऐसे ही हाथ से भी बनाया जाता है दोस्तों, और हम लोग दोनों तरह से बना के खाते हैं। हाँ देखिए दोस्तों कितना मस्त हाथ से ही गोला कर दी। दोस्तों सारा बन चुका है मक्का का रोटी, और देखिए दोस्तों लास्ट बचा हुआ है जो कि बना रही है, और भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों कितना सारा हम लोग मक्का का रोटी पकाए हुए हैं। इतना सारा मक्का का रोटी बनाए हुए हैं और देखिए बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों खाने में मक्का का रोटी। और चने का साग अभी निकाल रही है एक बर्तन में, और मक्का का रोटी दोस्तों खाने में बहुत अच्छा लगता है। इधर देखिए दोस्तों लगा दी, दो बर्तन में दोस्तों भी आप लोग को दिखाया चने साग का रेसिपी और मक्का का रोटी दोस्तों बन चुका है। चलिए दोस्तों अब खाने के लिए, और दोस्तों खाने में बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैनल पे जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जवाहर।